पहले आप बिफोर फिर आफ्टर। तो इस तरीके से आप मेरा किचन भी देख लीजिए, अभी लाइट कम चला रखी है मैंने। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, भले चंगे होंगे और खुश होंगे। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सब एकदम खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह का खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का। जैसे कि आपको पता है लंच मेरा साथ में ही बन जाता है, क्योंकि श्रेय कॉलेज गया है वो लंच लेके जाता है, ये अपने ऑफिस गए हैं ये लंच लेके जाते हैं, और बाकी पापा जो है लंच दोपहर में नहीं करते हैं, हल्का फुल्का कुछ फ्रूट वगैरह लेते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ पे हैवी होता है, थोड़ा सा उल्टा है, और हम बचे माँ बेटा, मैं और अंश, तो हम भी इधर उधर का कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं, या फिर दो चार मैं रोटी भी बना के रख लेती हूँ। आज रखी है कढ़ी, और कढ़ी के साथ मैंने रोटी बना के रख दी है। तो ये अपडेट तो है हमारे लंच का, और अब मैं काम शुरू कर रही हूँ अपना क्लीनिंग का। आप लोगों के कमेंट आए थे कि क्लीनिंग की वीडियो शेयर करो, और इससे पहले जो वीडियो गई थी, इससे क्या दो वीडियो पहले, उस पर भी था कि आप जो है क्लीनिंग की अपनी रूटीन शेयर करो, और मैं जो है, और मेरी थोड़ी सी चल रही है तबीयत खराब, मुझे हल्का हल्का फीवर चल रहा है, सर में दर्द चल रहा है, 3 दिन हो गए हैं। जो इससे पहला वीडियो किया था उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद फिर 2 दिन मैंने नहीं किया, तो आज मैं कर रही हूँ। और जो है अब मैं दवाई खा रही थी, पानी मैं लेके आई हूँ, पर अभी दवाई खाई नहीं है, पहले मैं दवाई खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं काम शुरू करूंगी। दवाई खा के काम चल रहा है, दवाई खाती हूँ तो सर में आराम रहता है, नहीं तो फिर वही जो फीवर में हल्का हल्का पेन रहता है ना, सर में दुखता रहता है, मन नहीं लगता, तो वो काम मेरे साथ हो रहा है, 3 दिन हो गए। पर काम सारे होते हैं, कुछ नहीं छूटता है, ये है कि हल्का भारी थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब कम ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे रहने वाला है। अब मैं जो है रूटीन अपना कर रही हूँ क्लीनिंग का शुरू, अभी किचन भी ऐसे ही फैली पड़ी है। पैरों में आज मेरे जो है आराम है, पैरों की भी दवाई मेरी चल रही है, पर जो हल्का फीवर है ना, तो वो इतनी तेज होता है, मतलब पूरे शरीर में अकड़ाहट सा, अकड़न सी, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, वो चल रहा है। पर चलिए खैर, ये तो चलता ही रहता है, पर मन खुश नहीं रहता, तो ऐसा है। अब मैं पूरे घर में करूँगी साफ सफाई और किचन, कोई डीप क्लीनिंग नहीं है, सिंपल डेली रूटीन है जो मैं डेली करती हूँ, वीकली भी नहीं है, डेली है। वीकली मेरा थर्सडे में होता है, उसका वीडियो इससे पहले आपको मिल ही गया, मैंने जो है ड्राइंग रूम के भी कवर वगैरह चेंज करे थे सब, और अपनी किचन भी मैं उसमें थर्सडे में अच्छी करती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टी रहती है शॉप की, तो उस दिन मैं अपना किचन को अच्छे से करती हूँ। और आज मेरा नॉर्मली रूटीन है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो में कुछ भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले दवाई खाती हूँ। ये बोल के गए थे क्या क्या खाना है, और मैं इनसे नाराज़ हो रही थी, गुस्सा हो रही थी कि दवाई आप मेरी नहीं लेके आते, मुझसे नहीं पूछते। ये बोलते हैं कि खुद दवाई मंगवा सकती है, ला सकती है, बाहर जाती है शॉप पे, पर ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती, यहाँ तक कि दवाई भी मैं इनसे ही मंगवाती हूँ, यही लेके आते हैं, यही मुझे लेके जाते हैं, तो ऐसा करती हूँ। तो चलिए जी पहले मैं दवाई खाती हूँ, और फिर अब जो है बेड वेड आप देख ही रहे हैं किस तरीके से फैले हुए हैं, और ये देखिए थोड़ा सा बात ज़्यादा हो जाएंगे, ये देखिए किचन की हालत। तो पहले आप बिफोर फिर आफ्टर, तो इस तरीके से आप मेरा किचन भी देख लीजिए, अभी लाइट कम चला रखी है मैंने तो। और हाँ, मशीन मैंने लगा दी है, मशीन मैंने लगा दी है, मशीन का काम पहले ही है, और मशीन में मैंने हल्के फुल्के अपने कपड़े डाले हैं, एक दिन मैं अपने धुल लेती हूँ, और जो है इनके मैंने कल धुल दिए थे, जीन्स वगैरह सब कुछ। तो मशीन मेरी यहाँ पे चल रही है, और अभी जो है गार्डन में
कुछ नहीं है। और ये देखिए मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है, ये मैंने एक पिलर बनाया है ईंटों से। मेरी पूजा की तुलसी रैबिट नहीं छोड़ते, खा जाते हैं। अभी मुझे बाहर सीढ़ियों पे रखी हुई है तुलसी, वहाँ पे पूजा करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर देखती हूँ कि इसके ऊपर चढ़ेंगे। इसको मैं एक सुंदर सा पिलर बनाने वाली हूँ। अगर किसी ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया और कुछ मुझे सामान ला के दिया। अभी ऐसे ही गमला रखा हुआ है, बोल भी रही हूँ मैं हंस को कि इसमें कम से कम तुलसी तो मैं लगा लूँ, फिर गमला भी इसका जो है चेंज कर लूँगी मैं, पर अभी मैं इसी में लगा दूँगी क्योंकि आज है शनिवार, सैटरडे, और कल हो जाएगा संडे। संडे में फिर तुलसी नहीं छूते हैं, लगाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है जी। और इधर है हमारा अमरूद का पेड़ जिसपे काफ़ी पीले पीले पत्ते हैं, लेकिन अमरूद आ गए हैं ढेर सारे। चलिए टावल वगैरह मैंने सारे सुखा दिए हैं और थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ इस रूम की। ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे साइड में और थोड़ा सा ये बेड के ऊपर भी धूल सी दिखाई देने लगती है क्योंकि आजकल क्या है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो थोड़ा सा धूल दिखने लगती है दूसरे तीसरे दिन ही। ऐसा नहीं कि डेली डेली मैं डस्टिंग नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग करती हूँ। हाँ, ये जैसे मैंने सामने सामने हल्का सा कर दिया उतना तो डेली करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब पूरे घर की मैं डस्टिंग डेली करती हूँ। जहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे थोड़ी मुझे धूल दिख रही है उतना मैं कर लेती हूँ। और बस रूम हो गया है, एक रूम मैं सुबह ही कर देती हूँ तो उसमें कुछ नहीं करना है। और ये ड्राइंग रूम का थोड़ा सा सोफ़े के जैसे कवर वगैरह थोड़े से इधर उधर हुए रहते हैं उतना कर दिया, ज़्यादा इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। कवर सोच रही थी मैं उस दिन ड्राइंग रूम का, मैंने किया था क्लीनिंग तो चेंज वेंज किए थे सारे बेडशीट और सोफ़ा कवर, पर मेरे दिमाग से ही निकल जाता है शॉप पे से लाना, कवर ख़राब हो गए हैं तो फिर टेबल कवर यही मुझे डालना पड़ा। तो ये इस तरीके से ड्राइंग रूम है हमारा और धूप आप देख सकते हैं पूरे घर में धूप रहती है, कर्टन में किस तरीके से धूप आ रखी है, शाम को उधर से आती है पीछे साइड से और फ्रंट में सुबह के टाइम। बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाहर मेन गेट की साइड मैंने झाड़ू लगा दी है। आज पोछा और धुलाई कुछ नहीं होना, कल धुलाई करी थी बैक साइड भी फ्रंट साइड भी दोनों साइड कल धुलाई करी थी अच्छे से, आज सिर्फ झाड़ू लगाई है और झाड़ू दो बार लग चुकी है सुबह से। एक बार मैं अर्ली मॉर्निंग निकालती हूँ पूरे घर में, बाहर तक गेट वगैरह खोलना होता है, सुबह जरूरी होती है और इस टाइम मैं इसलिए झाड़ू लगाती हूँ। एक तो थोड़ी देर हम जो है रैबिट को खेलने के लिए छोड़ देते हैं वहां पे, थोड़ा उनके पैर खुल जाते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं बेचारे, और दूसरी बात बाइक वगैरह बाहर जाती है तो थोड़ी सी मिट्टी हो जाती है। तो झाड़ू मैंने लगा दी, ड्राइंग रूम हो गया, अब मेरा बचा है किचन का और पोछा। अब मशीन मेरी लगी हुई है तो वो मैं कपड़े निकाल लूंगी बाद में, उनको मैं बाद में सुखाऊंगी और पहले मैं ये पूरा समेटती हूँ। एक कढ़ाई एक्स्ट्रा रखी है, घी मैंने कल बनाया था मक्खन लेकिन पकाया नहीं था, वही तबीयत के चलते, तो आज वो भी मैंने सुबह सुबह पकाया है। और दूध वाले भैया आ गए हैं, दूध भी आ गया, वो मैंने तैयार करके रख दिया है ढक के। अब साफ सफाई करके उसको मैं बॉयल होने के लिए रखूंगी और फिर फटाफट से करूंगी अपने बर्तन। सुबह जो दो चार बर्तन रहते हैं पानी वानी के, रात के वो गिलास वगैरह सुबह जो पानी वानी पीते हैं वो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन सुबह से अब तक एक भी बर्तन चाय वगैरह के कप इधर साइड में रखे हैं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीच में अकेले कभी इनका लंच कभी उसका लंच, मतलब ये चलता रहता है और बीच बीच में
बिल्कुल जान, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं जब अकेली जान होती है ना करने वाले, और कई सारे लोग के लिए करना होता है, तो बर्तन मैं नहीं करती। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ढेर सारे आदमी बोलते हैं कि हम बर्तन झूठे नहीं छोड़ते, साथ साथ करते रहते हैं, तो मैं साथ साथ नहीं करती, मेरा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। टाइम लगे तो जरूर कर लूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, एक के बाद दूसरा इस तरीके से काम लगे ही रहते हैं। अब पूरा किचन समेट के पूरा दिन के लिए मेरी किचन साफ रहेगी। आजकल चॉपिंग बोर्ड पे रोटी बेलती हूँ, वो काम कर रहा है मेरा चकले का। चॉपिंग बोर्ड हो गया, बेलन हो गया, ये मैं पहले धुलती हूँ, ये बर्तनों में नहीं करती। मतलब चॉपिंग बोर्ड चकला जिसपे हम रोटी बेलते हैं वो बर्तन में नहीं करना चाहिए, झूठन वगैरह के बर्तन जो भी रहते हैं हमारे झूठे, उनको पहले ही करना चाहिए। और ये पहले से ही सीखा है, मम्मी से सीखा है, मम्मी हमेशा, क्योंकि पहले जो चकले थे ना लकड़ी वाले थे, और लकड़ी साफ नहीं मानी जाती इस तरह से, मतलब झूठे बर्तनों में कर दो तो ये एकदम साफ शुद्ध रहने वाली चीजें हैं हमारी किचन की, चकला बेलन तो ये अलग ही करने चाहिए। और एक अब एक्स्ट्रा चॉपिंग बोर्ड भी सबके घर में है, तो मतलब ये इस तरह की चीजें ना मैं पहले ही करके रख देती हूँ। और अब मैं सारे बर्तन करूंगी, चलिए कर लेती हूँ, एक एक काम दिखाऊंगी ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सभी बर्तन साफ हो गए हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं सुबह के टाइम, मेरा फिर दिन में कोई ज़्यादा प्रेशर बर्तनों का नहीं रहता है, इस टाइम रहता है या फिर शाम को रहता है, दिन में ऐसा कुछ नहीं रहता। अब मैं सिंक मांज लूँगी, और सिंक भी मैं दोनों टाइम, जैसे सुबह शाम दोनों टाइम ज़्यादा बर्तन होते हैं तो इसको भी मैं साथ साथ मांजती हूँ। हाँ, दो चार बर्तन चाय नाश्ते के करे, खाली चाय के करे तो उसमें मैं मांजती नहीं हूँ, ऐसे ही पानी डाल दिया, पर दो टाइम रूटीन से मांजती ही मांजती हूँ, तीन टाइम हो जाता है लेकिन कम नहीं होता। बस बर्तन हो गए हैं, ये जो मेरी बर्तन की टोकरी है ये बहुत छोटी है, हालांकि इतनी छोटी भी नहीं है पर मेरे बर्तन के देखते हुए छोटी है, क्योंकि मेरे बर्तन बड़े बड़े रहते हैं और इसमें आते नहीं है, तो इसीलिए मैं साइड में कर देती हूँ, उनका पानी जैसे ही निचड़ जाता है फिर पानी नहीं निकलता, तो सूखने के लिए उनको मैं साइड में रख देती हूँ, बाकी सब इसी में सूख जाएंगे। और अब मैं साफ़ कर दूंगी पूरा किचन, ज़्यादा उस तरीके से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है गैस स्टोव को भी साफ़ करना है अच्छे से क्लीनर वगैरह डाल के, तो खाली गीले कपड़े से, कॉटन का जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ, और ये मेरे घर के बनाए हुए ही हैं किचन के कपड़े, किचन टावल आप बोल सकते हैं, ये मैंने कॉटन के कपड़े से बनाती हूँ ना, बनाए थे आपके साथ शेयर किए थे, तो वही अभी तक चल रहे हैं, अब थोड़े से ख़राब होने लगे हैं, तो बाकी फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं बना लूँगी। तो किचन मेरा क्लीन हो गया है, और अब बारी आती है पोछे की, तो पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया है, पूरे घर में लगेगा पोछा, सुबह मैं लगाती हूँ मंदिर में, और थोड़ा बहुत ये लिविंग रूम में लग जाता है या फिर किचन में लग जाता है, बस इससे ज़्यादा मैं सुबह नहीं लगाती, और कई बार मंदिर मंदिर में भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मंदिर के बाहर तक लगा लेती हूँ। और पोछा आप देख रहे हैं, जो पोछे का डंडा है ना, ये मॉब का, ये मेरा टूट गया है, तो इससे अच्छी खासी मेरी कसरत हो रही है, झुकना पड़ रहा है और पोछा इससे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ख़राब होने वाला है वैसे भी, झुक के पोछा लगाना बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से सारा काम करने में मेरा वेट बहुत जो है कम हो गया है अब पहले के मुकाबले, अभी पिछले इन्हीं दिनों मेरी सर्जरी हुई थी, फिर भी मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। ये बाबू छुपा बैठा था और ये अब जाएगा अपने केज में, रेस्ट कर रहा था मेरे बाबू, ये खुला ज़्यादा रहता है, ये केज में पसंद नहीं करता, लेकिन अब इसको थोड़ी देर करूँगी, कुछ खा पी लेगा, है ना बाबू, हिमेश हो ना, ये देखो ये मेरा बाबू है, ये मेरा शुंगू है, ये खुला रहता है पूरा दिन, इसे पसंद नहीं है बंद होके रहना, जाओ। इस तरीके का डेली का रूटीन रहता ही रहता है, इतना तो करना ही होता है। पहले जो मेरा पोछा है वो श्रे लगा देता था जब उसका कॉलेज नहीं होता था, और जिस दिन कॉलेज नहीं होता मैं ये नहीं बोलती उस दिन श्रे लगा देता है, लेकिन कॉलेज सिर्फ संडे का दिन है जो नहीं होता है, नहीं तो प्रॉपर कॉलेज जाता है वो, तो फिर तो पोछा मैं ही लगाऊंगी, तो एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पोछा लगाना। आप लोग बोलते भी हो हेल्पर लगा लो, पहली बात तो हेल्पर का काम मुझे पसंद नहीं आएगा, और दूसरी बात जो मेरा वेट ये कम हुआ है फिर ये बढ़ जाएगा,
तो ये पोछे का ही कमाल है कि वेट कम रहता है और इस तरह से भागा दौड़ी वाला सारा काम रहता है ना, तो इससे फ़र्क पड़ता है। कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैं नहीं करती कभी भी, कभी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ टाइम मिलता है, लेकिन अभी नहीं मिलता ना मैं करती हूँ ना कोई वॉक करती हूँ। आप वॉक समझिए या एक्सरसाइज समझिए, कसरत समझिए, सब यही मेरा काम में ही हो जाता है। पिछले साल के जो मेरे कपड़े हैं वो मुझे लूज आ रहे हैं इस टाइम पे, और बस कपड़े मेरे पड़े हुए थे, ये मैंने निकाल तो दिए थे पर सुखाए नहीं थे नहा धो के। अब मैं कपड़े सुखा रही हूँ, धूप इस टाइम पे तेज़ हो चुकी है तो मैंने गीला ही दुपट्टा ले लिया है। हाँ जी, तैयार हो गई हूँ मैं और सारा काम हो गया था। नारियल नारियल ले रही थी प्रसाद का तो वो मेरे मुंह में था, मैं खा रही हूँ। और थोड़ी देर लेट भी गई थी, फिर एक फ़ोन आ गया था, बात करने लगी थी तो। और अभी भी जो है रेस्ट का टाइम है, रेस्ट करूँगी, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही। थोड़े से कपड़े हैं जो उधर बेड पे पड़े हैं वो करूँगी और बाहर के उतार लूँगी, बस बाकी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, काम कम कर रही हूँ। और शॉप पे तो नहीं गई, शाम को ज़रूर जाऊँगी, शाम को तो मैं जाती ही जाती हूँ। दोपहर तक अंश देख लेता है, अभी तो इसका स्कूल नहीं है ना, तो मैं आराम से धीरे धीरे अपना काम निपटा लेती हूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। कल भी ऐसे ही किया था, आज भी जब से तबीयत ख़राब चल रही है तो दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, हालांकि डिटेल में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ही किया है। तो जैसे जैसे होगा मेरा डीप क्लीनिंग का वो आपके साथ शेयर। चलिए, अब टाइम हो चला है चाय का, तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ और चाय मेरे यहाँ पर जल्दी ही बन जाती है, करीब 3:45 पे मैं बना देती हूँ, क्योंकि लंच वगैरह इतना हमारा हैवी नहीं होता है तो इसलिए। तो बस चाय बनाती हूँ और चाय के बाद फिर सीधा मैं शॉप पे जाऊँगी, कुछ इस वजह से भी जल्दी बन जाती है, फिर शॉप पे जाना होता है। और अंच के वहाँ पे रखे थे कुछ बर्तन, तो ये बर्तन लेके आया है और बस अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड किया। अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को, जैसे होता है देखती हूँ, कुछ रिकॉर्ड करती हूँ नहीं करती हूँ। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। चाय अच्छे से बन रही है, बॉयल आ गया है और अब ना सीजन जा चुका है अदरक वाली चाय का, क्योंकि गर्मी काफ़ी होने वाली है आगे आगे, गर्मी में अदरक की चाय कम ही चलती है हमारे यहाँ पे। और ये चाय कौन सी थी, ये चाय है रात की बोलूँ मैं शॉप से आ गई हूँ और ये भी ऑफिस से आ गए थे मुझसे पहले, आज ही आ गए हैं क्योंकि मेरे साथ तो अंश था। कभी कभी ये मेरे साथ आते हैं लेकिन आज पहले मुझसे ये आ गए हैं, और इनको थोड़ी सी चाय की इच्छा हो रही थी तो श्री ने बना दी है चाय और थोड़ी सी मैंने भी ले ली। हालांकि मैं चाय नहीं लेती हूँ शाम को आने के बाद, ये भी नहीं लेते हैं, कभी कभी हो जाता है कि या तो सर भारी हो, इनकी भी तबीयत ऐसी ही चल रही है, इनकी तो खैर चलती रहती है पर अब मेरी और इनकी दोनों की चल रही है, तो बस ये बोलने लगे कि चलिए चाय ले लेते हैं, तो फिर थोड़ी सी मैंने भी ले ली, हालांकि मेरे खाने को फिर लेट हो जाता है। तो दाल मैंने चढ़ा रखी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब मैं भी इनके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और थोड़ी सी चाय भी पी लेती हूँ। चाय के साथ ही कर देते हैं इस वीडियो का एंड भी, क्योंकि वीडियो सुबह से मैंने रूटीन शेयर किया, आगे शाम का करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, हालांकि वीडियो कुछ ऐसा स्पेशल कोई रेसिपी कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरा रूटीन है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।